ये इमरान रियाज खान के बाजियाबी केस की मुमकिन तौर पर जितनी डेवलपमेंट से हमें आगाह किया गया आखिरी तारीख होनी चाहिए, और इसमें डेवलपमेंट्स की नोयत जो है वो आईजी साहब ने अदालत में आज खुद बयान किया है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है जिसमें अब बजाते खुद जो है वो प्रोविंशियल इंटेलिजेंस चीफ जो कि आईजी साहब के बयान के मुताबिक भी मौजूद होंगे, और इसमें तमाम मामला जो है वो उसमें जितनी डेवलपमेंट्स हैं उसमें इमरान की बाजियाबी को हतमी तौर पर यकीनी बनाने के लिए जिसमें हमने वाज़े तौर पर जो है वो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट के और ख़ासकर आईजी साहब को आगाह कर दिया था कि हमारा सब्र जो है वो अब जवाब दे गया। इसी मामला फहमी और इसी जो हसासियत को जाँचते हुए इमरान रियाज के वालिद उसके वकला की जितनी आखिरी सब्र थी वो अपने आप को जवाब दे गई है, तो हमें वाज़े तौर पर कुछ डेवलपमेंट्स पहली मर्तबा पिछले 10-12 दिन में टेंजिबल नेचर की नज़र आई हैं जिसकी बुनियाद पर हमने अदालत से गुजारिश की है कि इनको एक आखिरी तारीख कल तक की दे दी जाए, लेकिन आईजी साहब का इसरार था कि इन्होंने बयान किया कि जो सूबाई इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भी अगली मीटिंग में मौजूद होंगे और जो डिवेलपमेंट्स हैं वो इस नोयत की हैं कि अब तकरीबन हम इस मामले के हतमी जो है वो बिल्कुल इसकी कंक्लूजन की तरफ बढ़ गए हैं। तो अदालत ने भी आज जो वाज़े तौर पर ऑर्डर किया है कि अदालत अपने सब्र का जितना भी मुजाहरा कर सकती थी वो कर लिया है, इसके बाद जो है वो कानून के मुताबिक जो है तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिन्होंने अब तक के बेशुमार मरतबा वादे वईद किए हैं जो इसको नाकाम रही है उनका सब्र भी ख़त्म हो गया है, इमरान की फैमिली वकला अदालत तमाम का सब्र जो है वो जवाब दे गया है। अब मुझे वाज़े तौर पर उम्मीद नज़र आती है कि ये इमरान के केस की आज आखिरी तारीख होनी चाहिए जिसमें कि इमरान अदालत में बाजियाब होकर पेश नहीं हुआ, नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे हम उम्मीद करते हैं कि ये लाजमी तौर पर पेश होगा, वरना कि हमें मजबूर मत किया जाए कि इस केस के जो तमाम असल हकायक हैं और जो वाज़े तौर पर सारी बात है इसको हम फिर जब मुनासिब वक्त आए तो उसको सामने रखें। बराए मेहरबानी, हम आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं कि इस मामले में हम चाहते हैं कि ये मामला अफाम तफहीम से ख़त्म हो जाए। हमने इस मुल्क में जो आइन और कानून के गैर मौसर होने के हालात देख लिए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने बेशुमार कड़वी गोलियां जो हैं वो अब तक खाई हैं, हमारे जो सब्र और बर्दाश्त है वो अपने आप को जवाब दे गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आईजी साहब का जो आखिरी वादा है इस अदालत से आखिरी वादा है और वाज़े तौर पर जो उन्होंने अदालत में चीज़ें बयान की हैं उसकी रोशनी में ये आखिरी तारीख ही होगी, वरना फिर जो है वो कानून तो अपना रास्ता लेगा ही लेगा और इस केस में पिछले 4-4.5 महीने के जो असल हकायक हैं वो फिर सारे जो हैं अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो इसको हम अपने लॉजिकल एंड की तरफ लाजमी लेके जाएंगे। अच्छा, ये बता दें कि आपने 24 आवर्स की कंसेंट दी है, क्या कोई ऐसे साइंस हैं जो आपको नजर आ रहे हैं आपने एग्री हुए? देखें, ऐसे साइंस जो हैं वो 6 सितंबर से पहली मरतबा मुस्बत इशारे वाज़े तौर पर जो मैं इशारतन किनारतन बात कहता हूँ जो उसकी तफसीलात हैं वो एक प्रोफेशनल एथिकल और ट्रांजैक्शनल इंटेग्रिटी है जिसकी बेसिस पे मैं उसकी तफसीलात से हमेशा बताने से गुरेज करता हूँ, और अभी तक जो है वो अवामी तौर पर या कभी भी मीडिया के तौर पर कोई ऐसी बात सामने हम नहीं लेके आए, कोई ऐसी बात हम सामने नहीं लेके आए, लेकिन उसमें जो 6 तारीख को इंटेग्रिटी जो इसकी जो ट्रांजैक्शन की थी उसको मद्देनजर रखते हुए जो वाज़े डेवलपमेंट हैं वो एक मुस्बत इशारा है। उसके बाद यहीं जो उससे भी आगे एक सतह पर जाके जो हमें इशारे हैं वो 13 तक नजर आए हैं, आज उससे भी जरा एक आगे सतह पर जाके इशारा नजर आया है जिसकी कुछ वजाहत जो है वो आईजी साहब ने मुनासिब समझा कि अदालत के अपना सवाल पूछने पर उन्होंने आज मुनासिब समझा कि क्योंकि नजर आ गया था कि अदालत का सब्र जवाब दे गया और हमने भी जो सा है वो वाज़े तौर पर बता दिया हुआ है तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कि हमारा सब्र जवाब दे गया है, इनफ इज इनफ, तो अब हर किसी भी सूरत किसी भी सतह पर इस मामले को अपने इख्तिताम पर जो सा पहुंचाया जाए। तो आज उसकी कुछ निशानियां आपको आईजी साहब ने खुद मुनासिब समझा जो दी हैं, हमने भी अदालत को ये कहा है कि अगर ये जो हमें आखिरी निशानी जो है वो अदालत की हेयरिंग से चंद मिनट पहले जो है वो दी गई है उसकी रोशनी में अगर 24 घंटे का इस मामले को निपटाने के लिए टाइम दिया जाए तो फिर ये मुनासिब है, जिस पर आईजी साहब ने वाज़े तौर पर अदालत को जवाब दिया है कि फ्राइडे वाले दिन तक जो है वो इंटेलिजेंस चीफ शायद इस्लामाबाद में है जिनकी गैर मौजूदगी में ये मामला जो है वो इख्तिताम पज़ीर मुमकिन तौर पर नहीं हो सकता, जो भी इसमें डेवलपमेंट होती है वो फिर आपके सामने आएगी। बहरहाल के हमारा जो है वो जवाब जो सब्र है वो अपनी आखिरी हदों को छू गया है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पूरी रात हेयरिंग से पहले और हेयरिंग से चंद दिन पहले ना इमरान के घर वाले सोते हैं ना उसके वकला सोते हैं और इसी तजब्दुब का शिकार रहते हैं कि जो हमें माजी की डेवलपमेंट्स हैं उसके मुताबिक ये वाज़े तौर पर बताया जाता है कि हम लिटरली जो है वो घंटों महीनों या हफ्तों नहीं दिनों या घंटों जो है वो दूर हैं। अब इसकी मजीद तफसीलात जो हैं
वो जो भी आज या कल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, आज जब मीटिंग होती है तो उसके बाद फिर जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करके सामने लग जाएंगे। बताइएगा कि हर पेशेंट पर आप होपफुल होते हैं और ऐसा लगता है कि पेशेंट से एक रात पहले आपको बताया जाता है कि कल आप आ जाएगा, आप बस आगे कह देंगे सारे मामला ठीक हो गए, उसके बाद सोते हैं फिर वैसे, ये नहीं समझते कि आपको भी ट्रैप किए जा रहे हैं। देखें मैं ये जिंदा नहीं है वो लोग जो ट्रैप कर रहे हैं हमें, मतलब ऐसे वो नहीं हो सकता। मुल्क में कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो अपने आप को इतना होशियार चलाक ना समझे कि जो इस तरह के वकला हैं उनको वो ट्रैप कर देंगे, ऐसा चीज़ मुमकिन नहीं है। हमने इमरान की सेफ्टी से मुतल्लिक जो नंबर ऑफ सेफ गार्ड्स खुद हमने यार्ड स्टिक जो उसकी डिटरमिन की है, सिर्फ वो कहते हैं कि इमरान रियाज की जिंदगी और बाजियाबी और खैरियत से वापसी हमारे सामने सेहतमंदी से वापसी के मुताबिक जो है ना इमरान रियाज की खातिर जो है वो हमें बहुत से मामला फहमी से काम लेना पड़ता है। इमरान रियाज जब हमारे पास खैरियत से आएगा ना तो ये मामला फहमी भी शायद जो है वो मुमकिन तौर पर हम इसको साइड पर रख देंगे। हमें उसकी ज़िंदगी सबसे अजीज है, हमें कोई ऐसी जो है वो होप नहीं दी जाती एक रात पहले, हमें मुसलसल जो है वो पीरियोडिकल एक दिन बाद, चार दिन बाद, दस दिन बाद, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में जिस तरह की डिवेलपमेंट्स हो रही होती हैं उसे वाज तौर पर दिया जाता है, और यहाँ तक कि हमें तो हलफ भी जो है वो दिए जाते हैं। इसकी तफसीलात जो है वो फिर किसी वक्त जो है वो अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर सामने आ सकती हैं, वरना हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इस मामले को इख्तिताम पे जाएं, आप अपने घर जाएं और हम अपने घर जाएं। बड़े भरमी में इजहार कर रहे हैं और आपने ये बात कर दी कि हम कुछ हकायक सामने ले आएंगे, ऐसे क्या हकायक है जो आप सामने? आपको बताना मुनासिब नहीं समझता आज के वक्त, जब हकायक सामने लाने की जरूरत आएगी, अभी मैंने आपको इशारतन किनारतन बताया, जब वक्त की जरूरत आएगी तो बता भी दिए जाएंगे। थैंक यू।